वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ए ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें ट्रिक क्या है, इन्होंने भाई साहब ने एक्स इधर लिख दिया है, ठीक है। अगर इधर एक्स होता है तो थोड़ा सा समझने में ईजी रहता, बट इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला एंड देन एक्स और ए, ये हो जाएगा ए एक्स एंड देन इस एक्स को इससे करिए तो ये हो जाएगा प्लस बी एक्स एंड देन प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इधर ट्रिक क्या थी, ये जो एक्स लिखा हुआ था, दिस इज द ट्रिक। ये आपको समझना है कि एक्स इधर का भी मतलब वही है कि जो इधर का है, ठीक है। जनरली दिखता नहीं है बट ये इनका एक तरीका था। बस हो गया, अब इसको हमें कॉमन लिया, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन मैंने एक्स लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स माइनस ए अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। बस इसके बाद आ गया एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू बी। और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए। देयरफोर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इधर ए और बी एंड दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी, ये जो मैंने बनाया एक्स, ठीक है, ये इसका ट्रिक था। ये बस आपको ध्यान देना, इसको देखे या तो कन्फ्यूजन हो सकता है या आदमी कैलकुलेट करना भूल जाएगा है वैसा कुछ, और फिर किसी और डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये ट्रिक था, ठीक।